बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल है जनाब तुहाडे सब दा। उम्मीद करनी है कि तुसी सब होवोगे खैरियत दे नाल। अज असीं बना रहे हां जी सवांजना और कीमा, क्योंकि सवांजना मैं तुहानूं कहा ना शुगर वालिया वास्ते और कई बीमारियों वास्ते बड़ी फायदेमंद चीज़ है। इहदे विच सब नाल पहलां ते असीं कीमे च पा रहे हां मोटी इलायची है और दालचीनी है। कीमा मेरे कोल हाफ के जी है। यह मेरे को तीन अदद मीडियम साइज के प्याज ने वो असीं इहदे च ऐड कर दिते ने। टमाटर पा दिते ने दो अदद। सवांजने विच टमाटर और दही जिहड़ा वे उन्हां तुसीं मुनासिब इस्तेमाल करो, ये नहीं कि बेजा खट्टा हो जाए जिहदा टेस्ट भी ना रहे। सीधा अज ना यह चम्मच मेहरबानी करके ना सही करके ना कोई चम्मच किसे पासे पा लिया हो तो कोई कितने पा लिया। दो टीस्पून में भर के ये लसन अदरक का पेस्ट ऐड किया। हुण जनाब असी ये पा रहे हैं एक टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टीस्पून अदरक है और हाफ टी स्पून ही मेरे को नमक है। ते इहदे विच हुण मैं ऐड करांगी जी कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून। तमाम स्पाइसिस असी ऐड कर दिते ने। हुण ढक्कन दे के असी इहनू पक्कण देवांगे। ते सुक्का धनिया इहदे विच मैं कुटिया होया पा रही हां, पीसिया होया नहीं। सिदरा कुट के दे रही है ते मैं फिर इहदे विच ओह भी ऐड कर रही हां। अच्छा कल बड़ा मजा आया मैनू एक कमेंट दा। ओ मैं इम्तियाज मॉल गई ते एवें मेरा दिल कीता, मैं कहा जी मैं बर्तना वाले सैक्शन जावां लैणे ते मैं नहीं सन ते मैं कहा चलो मैं जरा जाके ना तुहाडे वास्ते वीडियो बनानी है, नाले देखनी है कि कोई नवे बर्तन आए ने कि नहीं है कि नहीं। अच्छा वीडियो बनाई, वीडियो आके मैं कीती अपलोड। जदों मैं शाम मिले राती कमेंट्स पढ़े ते फिर कमेंट्स आए हुए थे सो बोरिंग। तो जिन्हें सो बोरिंग लिखिया उसने उन्होंने मैं ये कहनी हाँ कि मेरी भैन अगली बारी मैं जो मॉल जावांगी ना उत्थे नाल असीं लै जावांगे ढोलकी, ठीक है, ताकि तुसीं बोर ना हो। मैं तुसीं ये दसो कि वीडियो जिहड़ी है वह किसी मॉल जाके बनाओ उदों मतलब की चाहते हो कि किस तरह की होनी चाहिए है। एक बंदा गया उन्हें जाके वीडियो बनाई है थोड़े वास्ते और फिर उत्थे कमेंट्स आन कि सो बोरिंग। तो फिर यो ही मैं कहांगी ना कि अगली बारी जावांगी तो उत्थे फिर मैं ढोलकी नाल लैके जावांगी, ठीक है, ताकि तुसीं ढोलकी नाल महसूस होंदे रहो, नाले तुहानूं मज़ा भी आएगा बड़ा। खुदा दा खौफ नहीं वैसे लोगों के दिल में, पता नहीं कोई किस तरह अपनी जिंदगी जी रहा होंदा, असी इस चीज़ नूं नहीं जानते। मगर लोगों का दिल दुखाने तो पहला उन्होंने तकलीफ देने तो पहला ये जरूर सोच रहा करो कि पता नहीं कोई किस तरह की जिंदगी अपनी जी रहा होंदा वे। जियो और जीने दो, ठीक है जी। तो मिलने थोड़ी देर बाद असी देखो बॉयल आना शुरू हो गया, यदि अग जरा हूँ मैं स्लो कर देवांगी ताकि कीमा जो अच्छी तरह पक जाए। ऐ देखो लो जी हुण असी जिहड़ा वे कीमे च पानी नूं चंगी तरह खुश करके फिर इहदे विच असी पावांगे ऑयल। हुण जनाब असी इहदे विच पा रहे हां ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज साडी अफतारी बड़ी सिंपल है, सवांजना और कीमा है, साथ में फ्रूट चाट है, नाल होणगियां जनाब खजूरां। फ्रूट चाट में अज बना रही हां पपीता अमरूद और केले दी। एक अदद असी किन्नू लिया, सिदरा ऐ ना तू सवांजना दे विच पा ताकि वो ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਂਜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ
ਰੁਪਿਆ ਸਵਾਈਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਈਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ चाट का फ्रूट कटिया जा चुका है हूँ असी ये ऐड कर रहे हैं नैशनल का फ्रूट चाट मसाला तैयार हो गई है साड़ी फ्रूट चाट इनू करांगे हल्के हाथ मिक्स तो रख देंगे रोजे में मनोरंजन होगा फ्रूट चाट के साथ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸਿਧਰਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਨਾਦੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਢੀਠ ਪਣ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਡੇਢ ਚਮਚ ਮੈਂ ਐਡ ਡੂੰਘੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਬਰਾਊਨ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਬਰਾਊਨ ਪਿਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਂਜਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਲਵੰਜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਠਾ ਹੋਏ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਦਰਕ ਵੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪੁਦੀਨਾ ਵੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੀਸਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਦਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
कि रेसिपीज जिहड़ियां ने उन्हां दे उपर तुसीं व्यूज इन्ने कम क्यों देंदे हो, ठीक है। और मैं अक्सर नोट कर रही हूँ कि किधर मसाले वाली गल्लां होण ना इधर उधर दियां लाइया होईयां उन्हां ते कोई व्यूज होंदे ने, कोई उन्हां नूं लाइक किया जाता है, भाई मैनू नहीं लानी आती अग तो मैं की करा, दसो मैनू अग लानी आती होंगी तो मैं क्या इस तरह की जिंदगी गुजार रही होंगी। मेरा ख्याल है कि मैं एक कामयाब सियासतदान भी होंगी और एक कामयाब औरत भी होंगी, मगर मैं जिस तरह की है मैं उस तरह की हाँ, मैं की करा हूँ लोगों को चस्के देने वास्ते मैं अपनी कबर से गंदी कर नहीं सकती। मैं हालांकि करना बड़े पोलाइटली गल भी करनी हाँ, हासे मजाक वाली भी करनी हाँ, मगर शायद के लोगों को मसाला पसंद वे तो मसाला पता नहीं हूँ कि मैं दे सकनी हाँ तुहानू सारिआं नूं, एक मसाला होंदा मझां वाला वो बना के दे दवां शायद वो सही रहेगा, ठीक है। इस गल पर भी हम कहना आप बड़ा रूडली बात करती हैं, आप तो ऐसी कहती हैं, आप ऐसी कहती हैं, तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरी माँ ने यह पीस आइंदा ही जमे है, ठीक है। तो चुल्हा कर देने बंद, तो इसी तरह कैमरा जरा करीब लैके आ, मैं क्या जी फटाफट आलू पालक और प्याज दे थोड़े जे पकौड़े बनाए जान क्योंकि हजे टाइम जरा वे वो है वे, असी नाल जरा ये काम भी कर लेंगे। मेरी अने पकौड़े ना बड़े मज़े के बनाते होंगे सन और बैंगन के पकौड़े भी, मैं भी इंशाल्लाह किस दिन बैंगन के पकौड़े जरूर बनावांगी, पहला तो पसंद नहीं सर होंगे हूँ पर बड़े ही चंगे लगते हैं। ए देखो यह साड़ा मिक्सचर है, पालक आलू प्याज बेसन सब्ज मिर्च, ठीक है। तो फटाफट बनाने पकौड़े क्योंकि टाइम है सी, मैं सिद्धरा ने कहा मैं कह लिया अज मैनू दे अज मैं बना लूँगी, तू मेरे बने भी अज खा के देख। देखो जी इत साड़ी हांडी की लुक के हांडी कि सोहनी लग रही है, रंग बिरंगे रंग ने, लाल है हरा है लाइट येलो जहा कलर है, अदरक द ऑफ वाइट जहा, वो गर्म मसाले का रंग भी है, सुहांजने का भी है, रेड कलर का मीट भी नज़र कीमा भी नज़र आ रहा थोनों। इधर देखो साड़ी फ्रूट चाट भी, तुम कि फ्रूट चाट जी वह कैसी बनी हुई है, जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ा हो बनती है, जो घर है ने अवेलेबल है बस अपनी अकल ना तुसी उन्हों जरूर बनाओ ते ट्राई करो, और मेरी आज दी रेसिपी नू तुसी जरूर ट्राई करना, उम्मीद करती हाँ कि तुहानू अच्छी लगेगी और मेरिया गल्लां जिहड़ियां ने अगर किधरे ओ की कहंदे ने जरा सीरीयस ने तो थोड़ा जहा किधरे ना किधरे मजाक भी हुंदा वे, ठीक है जी। इहदे नाल मैनू दिओ कि तुसी इजाजत, मेरे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो, वॉच करो, तो तुहाडे सब दे बहुत सारे प्यार दा बहुत बहुत शुक्रिया, ते लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।